नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को भोजन करते समय बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य इन नियम का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। तथा आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो आइए बिना देरी किए जान लेते हैं कौन से नियम हैं। पर उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना। भोजन से पहले अन्न देवता एवं अन्नपूर्णा माता की स्तुति कर धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां, 1 गाय के लिए, 1 कुत्ते के लिए और 1 कौवे के लिए अलग निकाल कर फिर अपने इष्ट देव को भोग लगा कर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिल बैठकर ही भोजन किया जाए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में नियम और एकता कायम नहीं रह पाती है। भोजन का समय प्रातः और शाम काल ही भोजन का विधान है। जो व्यक्ति सिर्फ 1 समय भोजन करता है वो योगी है। जो 2 समय भोजन करता है वह उसे भोगी कहा गया है। तीसरी बात, भोजन की दिशा, भोजन पूर्व और उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग की वृद्धि होती है। चौथी बात, ऐसी अवस्था में भोजन ना कर उत्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का भेद होने पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। अथवा क्लेश के माहौल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। एक शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं एवं बट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा या बहुत ही मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा गया भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ भोजन, फल, मिठाइयाँ फिर से नहीं खाना चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ गया भोजन कभी करना नहीं चाहिए। रजस्वला स्त्री के द्वारा परोसा गया भोजन भी करना अनुचित है। श्राद्ध के लिए निकाला गया भोजन, बासा भोजन या मुँह से फूंक मार कर किया गया भोजन भी करना अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी ना करें। चौथी बात, भोजन करते समय ध्यान रखें, भोजन करते समय मौन रखें। रात्रि के समय भरपेट ना खाएं। भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले व्यक्ति को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। सातवीं बात, भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। उनके पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, पहुँच आदि प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। भोजन के बाद क्या करें, हमें भोजन करने के पश्चात टहलना चाहिए और रात्रि के समय 100 कदम टहलकर बाईं करवट में लेटना अथवा वज्र आसन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भोजन के 1 घंटे के बाद मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को दिए हुए महत्वपूर्ण संदेशों में कहा गया है कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए थाली का त्याग करना चाहिए। ऐसी थाली विष्टक के समान त्याज्य होती है। भीष्म पितामह कहते हैं भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भोजन पूर्व जिस थाली को कोई लांग कर गया हो ऐसे भोजन को भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कीचड़ के समान छोड़ देना वाला समझना चाहिए। पितामह ने अर्जुन को बताया है एक ही थाली में भाई भाई भोजन कर वह अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से धन्य धान्य स्वास्थ्य लक्ष्मी की वृद्धि होती है। पितामह के अनुसार पत्नी को एक ही थाली में भोजन कर
निषेध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते तो ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी जाने वाली थाली होती है। पत्नी को पति के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें महाभारत में बताई गई हैं। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।